दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे गॉडजिला कॉन्ग द न्यू एम्पायर के दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे फिल्म की टोटल इंडिया नेट ग्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है। ये फिल्म सन 2021 में आई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की सीक्वल है, साथ ही मॉन्स्टर वर्स फ्रेंचाइज की पांचवी फिल्म भी है। इस फिल्म को एडम विंगार्ड ने डायरेक्ट किया। बात करें स्क्रीन काउंट की तो इस फिल्म को इंडिया में लगभग 1500 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया है। बात करें बजट की तो दोस्तों इस फिल्म का बजट लगभग 132 मिलियन डॉलर है। अगर इंडियन रुपीस में देखें तो तकरीबन 1105 करोड़ होता है। वहीं बात करें कलेक्शन की तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन किया। इस फिल्म ने अपने पहले दिन में इंडिया में लगभग 14 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। वहीं पहले दिन का एस्टिमेटेड वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो सामने आया उस हिसाब से इस फिल्म ने पहले दिन में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में लगभग 190 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म के रिव्यूज अच्छे आए, फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ भी काफी अच्छा बना हुआ है, यानी ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस में भी आराम से 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर सकती है। बात करें दूसरे दिन के कलेक्शन की तो आज इस फिल्म के कलेक्शन में अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। ये फिल्म अपने दूसरे दिन में इंडिया में लगभग 16 से 18 करोड़ के रेंज में नेट कलेक्शन करने वाली है। वहीं बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 6.7 रेटिंग मिले। तो दोस्तों अगर आपने फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।